हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। ₹130 पन्नों का नया खुलासा करके परमबीर सिंह ने अब सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रख दिया है। सारे आरोप, सारे इल्जाम पन्ने पर लाकर रख दिए हैं। टेक्स्ट मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, सबकी डिटेल दे दी है। हर महीने 100 करोड़ के वसूली कांड पर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने आज कई और बड़े खुलासे किए हैं। अनिल देशमुख की अगस्त 2020 वाली टाइमलाइन से लेकर मार्च 2021 की टाइमलाइन तक पूरी क्रोनोलॉजी बताई है। नई बातें सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अभी तो बचे हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अनिल देशमुख का फंसना तय है, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर हैं और उसकी पूरी डिटेल हमारे पास है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 130 पन्नों का एक नया बम फोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में परमबीर सिंह ने वसूली कांड पर नए खुलासे किए हैं, पूरी इनसाइड स्टोरी बताई है। अनिल देशमुख के बंगले पर कौन कौन जाता था, कब कब जाता था, क्या क्या ऑर्डर्स लेता था, सबकी डिटेल क्रोनोलॉजी के साथ बताई है। परमबीर सिंह का खुलासा नंबर वन, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख बार बार पुलिस ऑफिसर्स को अपने आधिकारिक आवास ज्ञानेश्वर बुलाया करते थे। खुलासा नंबर टू, अनिल देशमुख परमबीर सिंह और सीनियर पुलिस अधिकारियों को बाईपास करके पुलिस वालों को अपने बंगले पर आने का ऑर्डर देते थे। खुलासा नंबर थ्री, अनिल देशमुख इन मीटिंग्स में पुलिस वालों को अपने मन के मुताबिक फंड्स इकट्ठा करने के लिए कहते थे। खुलासा नंबर फोर, पुलिस वालों को पैसे इकट्ठा करने का टारगेट दिया जाता था। खुलासा नंबर फाइव, मुद्दे को भटकाने के लिए परमबीर सिंह को बलि का बकरा बनाया गया। खुलासा नंबर सिक्स, परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सारी बातें बताई थी। परमबीर सिंह को पता था कि इसके बाद उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो सकती है। परमबीर सिंह के 130 पन्नों वाले नए बॉम्ब में सचिन वाजे और अनिल देशमुख की अप क्लोज एंड पर्सनल मीटिंग्स के सबूत भी मौजूद हैं। किस केस में अनिल देशमुख ने कैसे परमबीर सिंह पर दबाव बनाया, इसकी पूरी टाइमलाइन है। सचिन वाजे और अनिल देशमुख पर परमबीर का खुलासा नंबर वन ये है कि वाजे और देशमुख की मुलाकात अक्सर हुआ करती थी। फरवरी 2021 में दोनों की मुलाकात उसी बंगले पर हुई। इस मीटिंग में सचिन वाजे के अलावा एसीपी संजय पाटिल भी मौजूद थे। अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के लोअर रैंक अधिकारियों को हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने का टारगेट दिया था, वो भी महाराष्ट्र के गृहमंत्री के घर पर। खुलासा नंबर टू ये है कि परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर की पोस्ट से हटाना कुछ और नहीं, एक पॉलिटिकल मोटिव था जिसके पीछे की मंशा कुछ और थी। खुलासा नंबर थ्री ये है कि ट्रांसफर से पहले परमबीर सिंह कई इन्वेस्टिगेशंस को लीड कर रहे थे और कुछ बड़े खुलासे करने वाले थे। खुलासा नंबर फोर 22 फरवरी 2021 की एक घटना का है, जब सांसद मोहन देलकर ने आत्महत्या की थी। इसे लेकर परमबीर सिंह का दावा है कि अनिल देशमुख ने उन पर यह कहकर दबाव बनाया कि कुछ बीजेपी नेताओं की रोल की जांच करो और उन्हें किसी तरह से इस केस में फंसाओ। खुलासा नंबर फाइव ये है कि खुदकुशी के इस मामले को पॉलिटिकल एंगल देने का दबाव परमबीर सिंह पर बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 और 25 अगस्त 2020 को ही रश्मि शुक्ला नाम के अधिकारी ने महाराष्ट्र के डीजीपी को अनिल देशमुख के पोस्टिंग्स वाले गोरख धंधे के बारे में बता दिया था। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन देशमुख पर कोई कार्रवाई नहीं। महाराष्ट्र के सियासी कैलेंडर में बड़ा पेच है, तारीख पर तारीख का हिडन खेल है। परमबीर सिंह के कैलेंडर में वसूली कांड की तारीख दिसंबर महीने में शुरू होती है। परमबीर की चिट्ठी में जिस मैसेज का जिक्र है उसमें साफ लिखा है, सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मीटिंग फरवरी के अंत में हुई। अनिल देशमुख को डिफेंड करने वाले शरद पवार के कैलेंडर में दो अलग अलग डेट्स हैं। पहली तारीख है 5 से 15 फरवरी की और दूसरी तारीख है 16 से 27 फरवरी की। तारीख पर तारीख वाले महाराष्ट्र के इस सियासी भूकंप में
हर सेकंड तेज झटके लग रहे हैं। शरद पवार सच बोल रहे हैं तो कितना बता रहे हैं, कितना छिपा रहे हैं। अनिल देशमुख ने कैमरे पर आकर एक मिनट की सफाई दी तो वसूली कांड पर अधूरी बात बताई या पूरी कहानी सुनाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की टाइमलाइन प्योर है या उस टाइमलाइन में बहुत बड़ा झोल है। 5 फरवरी को अनिल देशमुख ने कोरोना पॉजिटिव होने का ऐलान किया, 10 फरवरी को ट्वीट करके यही बात दोहराई और 5 दिन बाद यानी 15 फरवरी को हॉस्पिटल से निकले। जिस वक्त शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल देशमुख का डिस्चार्ज लेटर लहराया, उस वक्त बीजेपी ने ट्विटर पर अनिल देशमुख का 15 फरवरी वाला वीडियो फैलाया। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल उठाया, अगर 15 फरवरी से 27 फरवरी तक अनिल देशमुख होम क्वारंटीन में थे तो 15 फरवरी को लाव लश्कर के साथ नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे थे। वसूली कांड की हिस्ट्री में तारीख वाली मिस्ट्री कितनी गहरी है? सचिन वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात कब और कैसे हुई, आज ये समझना जरूरी है। इसके लिए आपको सबसे पहले शरद पवार की एक बात सुननी होगी। It established there is a hospital certificate and the all government record also said he that entire 3 weeks he was not in Bombay. He was in Nagpur, that is his hometown. And that's why in such situation question doesn't arise. शरद पवार के बयान की पुष्टि ये वीडियो कर रहा है जो नागपुर का है और 15 फरवरी का है। यही बात अनिल देशमुख ने भी दोहराई, वो कैमरे पर आए और इस वीडियो पर अपनी सफाई दी। मुझे कोविड हुआ था, उसके वजह से नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे, उनको मुझको सवाल पूछना था। मैं कोविड के वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। मगर महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस परमबीर सिंह की चिट्ठी का हवाला देकर ये पूछ रहे हैं कि इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश आखिर कर कौन रहा है, तारीख की बात क्यों फैलाई जा रही है जबकि 15 फरवरी को ही अनिल देशमुख और सचिन वाजे की मुलाकात हुई, ये बात कहीं नहीं लिखी है। हाँ, 20 मार्च को परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में जिस चैट का जिक्र किया उससे डेट वाला सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। 16 मार्च को शाम 5:27 पर परमबीर सिंह ने एसीपी पाटिल से पूछा कि वाजे ने गृह मंत्री से किस दिन मुलाकात की थी। इसके जवाब में एसीपी पाटिल ने मैसेज करके बताया कि उन्हें एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। उसी दिन शाम 7:40 पर परमबीर सिंह ने एसीपी पाटिल से फिर पूछा, खुद एसीपी पाटिल ने उन्हें बताया था कि उनकी मीटिंग से कुछ दिन पहले ही वाजे और देशमुख की मुलाकात हुई थी। इसके बाद रात 8:33 पर एसीपी पाटिल ने लिखा, हाँ सर, लेकिन वो फरवरी के अंत की बात है। अपने डिफेंस में गृह मंत्री जो बात कह रहे हैं कि वो क्वारंटीन में थे, यहाँ दौरे पे गए थे, वहाँ दौरे पे गए थे, पूरी शरद पवार जो पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी कि किस दिन क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन दे रहे थे, लेकिन वो आखिरी दिन जो है महीने का उसका जिक्र नहीं कर रहे थे। और उसी का जो जिक्र है वो एसीपी पाटिल ने अपने एसएमएस में किया था और उसी एसएमएस को परमबीर सिंह ने जो है आधार बनाया और उसके अलावा मार्च के पहले हफ्ते में भी जो है मुलाकात हुई थी। और एक और अहम चीज़ बता दूं, अगर मान लीजिए ये कह रहे कि मुलाकात नहीं होती है, गृह मंत्री का बंगला है, ऑफिशियल बंगले पर मुलाकात होती है, बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर सीसीटीवी भी होंगे, तो परमबीर कैम का दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर हमारी बात गलत है तो आप जाइए वहाँ के सीसीटीवी फुटेज चेक कर लीजिए। अनिल देशमुख और सचिन वाजे की मीटिंग को लेकर कितना सच बताया जा रहा है और कितना छिपाया जा रहा है,
इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य को परमबीर सिंह के हवाले से इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल भी मिली है जो बहुत विस्फोटक है। सचिन वाजे, एसीपी पाटिल और भुजबल को अनिल देशमुख के बंगले पर बुलाया जाता था, वो भी एक या दो महीनों से नहीं, कई महीनों से। कई बार ये तीनों एक साथ बंगले पर गए। फरवरी के अंत में और मार्च के शुरुआत में भी बंगले पर बुलाए जाने की बात कही गई है। परमबीर ने साफ कर दिया, तीनों से पूछताछ हो तो सब क्लियर हो जाएगा। मीटिंग की तारीख पर पॉलिटिक्स के बीच परमबीर सिंह का कहना है, किस दिन बुलाया ये अहम नहीं, बड़ा सवाल ये है कि इन अधिकारियों को अनिल देशमुख क्यों बुलाते थे। शरद पवार ने वाजे को छोटा ऑफिसर बताया। इस पर परमबीर सिंह का कहना है कि अगर वो छोटा ऑफिसर था तो उसको मंत्री के बंगले पर आने का ऑर्डर क्यों मिलता था। अभी जिस तरह से शरद पवार जो पूरी टाइमलाइन बता रहे कि 27 फरवरी तक वो कहां कहां थे, और 27 फरवरी के बाद 28 तारीख का याद रखना होगा, 28 फरवरी को फरवरी महीने के अंत में पाटिल वहां पर गए थे, उसकी बात वो मान रहे हैं। एग्जैक्ट डेट का जिक्र परमबीर ने भी नहीं किया था। लेकिन एक और अहम चीज बता दो, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि फरवरी महीने में ही नहीं बल्कि ये पूरा जो वसूली कांड का सिलसिला था वो दिसंबर महीने से शुरू हो गया था, दिसंबर 2020 से। वाजे, ये सिर्फ पाटिल की बात है, वाजे का भी जिक्र जो है परमबीर ने अपने खत में किया था। वाजे भी जो है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो जो है दिसंबर महीने से अक्सर वहां पर बंगले पर जाते थे। सारे फैक्ट्स सामने हैं। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके सीबीआई जांच की मांग की है, मगर दूसरी ओर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स चरम पर है। गृहमंत्री का खुलकर बचाव किया जा रहा है और सारा ठीकरा पूर्व कमिश्नर पर फोड़ा जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख ने तय किया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप हुए या हो रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और उनकी जांच होनी चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? कोई भी उठेगा और आरोप करेगा किसी के ऊपर भी। आजकल तो ये बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। परमबीर सिंह तो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता। दलील चाहे कोई भी दी जाए, मगर ये बात तय है कि परमबीर सिंह के लेटर बम से महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार चौतरफा घिर चुकी है, किसी को जवाब देते नहीं बन रहा। हाँ, मामले को दबाने के लिए एनसीपी फर्जी आरोप वाला राग अलाप रही है, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अनिल देशमुख से इस्तीफा ना लेकर बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। कोई कानून व्यवस्था विफल हो गई महाराष्ट्र में? बिल्कुल नहीं। अगर अधिकारी ने गलती की है तो वो गिरफ्तार है, एनआईए जांच कर रही है, और कोई उसमें इन्वॉल्व होगा उसकी भी गिरफ्तारी होगी, सजा मिलेगी। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन राजनीतिक आरोप करके, फर्जी आरोप करके किसी का इस्तीफा मांगना, इस्तीफा ले लेना उचित नहीं। एक वादे तो अंदर है, बाहर और कितने वादे घूम रहे हैं, उनकी तलाश करें, उनकी जांच करें। ये महाराष्ट्र की वसूली सरकार उस पुलिस को काम करने नहीं देती, उस पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करती है। ऐसी क्या बात हुई कि शरद पवार जी ने घुमजाव कर दिया? ना केवल वे, उनका पूरा दल अनिल देशमुख जी के समर्थन में खड़ा हो गया। क्या उन चंद घंटों में अनिल देशमुख जी ने धमकी दी कि यदि उन्हें हटाया जाता है तो वे और अन्य जो लोग इस पूरे वसूली के धंधे में शामिल हैं उनके भी नाम दे देंगे? रही बात पॉलिटिक्स की, तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्म है। सोमवार को संसद में इसका ट्रेलर भी दिखाई दिया, जमकर शोर शराबा हुआ। सचिन वाजे के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर सबसे तीखा हमला किया अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने। जो व्यक्ति 16 साल सस्पेंड रहा, जो व्यक्ति 7 दिन पुलिस स्टेशन में रहा, जेल में रहा, उसे फिर से रीज्वाइनिंग किस बेस पे की गई? जब बीजेपी की सरकार थी, जब उद्धव साहब ने खुद माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को फोन किया और उन्होंने कहा इस व्यक्ति को, सचिन वाजे को, इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीज्वाइनिंग सर्विस देनी चाहिए, तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं।
जिस वक्त नवनीत राणा सचिन वाजे का मुद्दा उठा रही थी उस वक्त शिवसेना ने वॉकआउट कर दिया। इसके बाद नवनीत राणा ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने उनको धमकी देते हुए कहा कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम्हें जेल के अंदर डालेंगे। बात रखने के बाद शिवसेना जब वॉकआउट कर रही थी सदन से, तो उन्होंने 2 सेकंड रुक के मुझे, मैंने आपको नाम घड़ी घड़ी हम वही बता रहे हैं कि अरविंद सावंत 2 सेकंड रुके और उन्होंने स्पष्ट, मुझे पहले भी बहुत सारे थ्रेटनिंग लेटर्स मुझे आए हैं कि जिस चेहरे को लेके इतना गुरूर है उसी चेहरे को तेजाब से डालकर तुम्हें मार दिया जाएगा, कहीं घूमने के लायक नहीं छोड़ेंगे। आज तो ये सबसे बड़ा टॉर्चर थ्रेटनिंग आपको हाउस के अंदर होता है कि आपको सीधा बोला जाता है कि अगर अब इसके बाद तुम्हारी बारी है और तुम्हें जेल के पीछे हम डालेंगे। बहरहाल इस सियासी घमासान में अभी कई और ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं, अभी कई और खुलासे होंगे, कई और चेहरे बेनकाब होंगे, क्योंकि परत दर परत जैसे जैसे नए फैक्ट्स सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। अंबानी हाउस जिलेटिन केस और मनसुख मर्डर में सचिन वाजे गैंग के तार मुंबई से अहमदाबाद तक पहुंच गए हैं। 13 सिम कार्ड का पता चला है मगर 14वां मिलना बाकी है। जिस 5-स्टार होटल में प्लानिंग हुई उसका सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। जिलेटिन कहां बना था वो पहले से पता है, लेकिन एक जिलेटिन एंटीलिया तक कौन लेकर गया और वाजे किसके इशारे पर ये सारा कांड कर रहा था ये पता करना भी बाकी है। मुंबई में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करने के साथ साथ आज हमारे रिपोर्टर्स ATS और NII की टीम के साथ भी मौजूद रहे। जिलेटिन केस के बहुत सारे सबूत मिल गए हैं, डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। सचिन वाजे, विनायक शिंदे और नरेश बोकी, 3 गिरफ्तार, कितने फरार? एंटीलिया जिलेटिन कांड और मनसुख मर्डर केस में सचिन वाजे मास्टरमाइंड है या मोहरा? वर्दी वाले क्रिमिनल्स की क्राइम फाइल आज कहां कहां खोली, फुल डिटेल यहां है। मुंबई से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक इन्वेस्टिगेशन फुल स्पीड में चल रही है। किस जगह से कितने सबूत मिले, किस गवाह ने क्या क्या बताया? महाराष्ट्र ATS सचिन वाजे को मनसुख की हत्या केस का मुख्य आरोपी मानती है, लेकिन साथ ही ATS की फाइलों में ये बात भी लिखी गई है कि इस पूरी हत्याकांड का सूत्रधार कोई और है। वो सूत्रधार कौन है उसकी भी तलाश की जा रही है। ATS सूत्रों की माने तो इस मामले में कम से कम 4 आरोपी और भी हैं जो फिलहाल फरार है और उनकी तलाश की जा रही है। मनसुख मर्डर केस के सूत्रधार की तलाश आज मुंबई से अहमदाबाद तक पहुंची। विनायक शिंदे और नरेश बुकी से बरामद किए गए 8 सिम कार्ड अहमदाबाद से खरीदे गए थे। नरेश बुकी ने वोडाफोन के 5 सिम कार्ड के साथ 3 मोबाइल फोन भी वाजे को दिए थे। नरेश बुक्की ने 5 बेनामी सिम कार्ड सचिन वाजे और विनायक शिंदे को दिए। गुजरात से खरीदे गए इन सिम कार्ड का एंटीलिया कनेक्शन क्या है, यही जांच करने ATS की टीम अहमदाबाद गई। ATS के साथ NIA की टीम भी फुल एक्शन में है। NIA के अफसर आज होटल ट्राइडेंट पहुंचे। ATS सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसी होटल में रुकता था, यहीं वो मीटिंग करता था, यहीं वो पैसे की वसूली का प्लान बनाता था। NIA की टीम यहां के CCTV फुटेज की तलाश कर रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि सचिन वाजे से यहां कौन कौन मिलने आता था, सचिन वाजे ने होटल का कितना बिल चुकाया और पेमेंट का मोड क्या था। NIA सूत्रों के मुताबिक जिलेटिन वाली साजिश मुंबई के इसी ट्राइडेंट होटल में रचे जाने की संभावना है। यानी जिलेटिन कहां से आएगा, कौन लाएगा, स्कॉर्पियो कार में कब और कहां रखा जाएगा और जिलेटिन वाली कार को एंटीलिया तक कौन ले जाएगा, पूरी प्लानिंग होटल ट्राइडेंट में ही रची है। NIA की टीम ट्राइडेंट होटल से अपने साथ एक काले रंग का बैग और बड़ा लिफाफा लेकर निकली।
एनआईए की टीम मुंबई के ट्राइडेंट होटल पहुंची थी, क्योंकि इसी ट्राइडेंट होटल में सचिन वाजे 16 से 20 फरवरी तक रुका हुआ था और यहां पर 5 दिन रुकने के दरमियान उसने कई लोगों से मुलाकात की थी और मीटिंग की थी। अब एनआईए जानने के लिए आई थी कि आखिर किन लोगों से मीटिंग हुई। यहां पर आप देखिए एनआईए के अधिकारी सर्च करने के बाद एक काले रंग के बैग में कुछ सामान लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए ये जो है एनआईए की गाड़ी थी, एनआईए के अधिकारी थे जो कि ट्राइडेंट होटल में सर्च करने के लिए आए थे, पूछताछ करने के लिए आए थे। एनआईए ने होटल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 16 से 20 फरवरी तक का डीवीआर लिया, होटल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को खंगाला, वाजे से कौन कौन मिलने आया, होटल के मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ। एनआईए को पक्की इंफॉर्मेशन है कि सचिन वाजे 16 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक होटल ट्राइडेंट में रुका था। एनआईए सूत्रों की माने तो इसी होटल में एंटीलिया एपिसोड की पूरी प्लानिंग की गई थी। सचिन वाजे 16 फरवरी को इनोवा कार से इस होटल में आता है और 20 फरवरी को लैंड क्रूजर पराडो कार से इस होटल से निकलता है। सचिन वाजे इस होटल में नकली आईडी कार्ड पर रुका हुआ था। इस आईडी कार्ड पर फोटो तो सचिन वाजे की थी लेकिन नाम किसी और का था। एनआईए को इस पूरे मामले में अब दो और गाड़ियों की तलाश है, जिनमें से एक मर्सिडीज कार है जिसके मालिक से मिलने एनआईए की टीम गई थी, जबकि दूसरी निशान कार है जिसकी तलाश अभी तक जारी है। सचिन वाजे होटल ट्राइडेंट में 2 बैग ले जाते हुए देखा था। एनआईए को शक है कि उसमें 1 बैग में कैश भरा हुआ था। मुंबई में सबसे ज्यादा एक्शन में रही महाराष्ट्र एटीएस। मनसुख मर्डर केस एनआईए को हैंडओवर करने से पहले एटीएस के अफसरों ने सुबह से ही एक्शन शुरू कर दिया। जेल से निकलकर दोबारा क्राइम करने वाले विनायक शिंदे को एटीएस के अफसर 3 जगह ले गए। सचिन वाजे के घर 25 मिनट का इन्वेस्टिगेशन, विनायक शिंदे के घर 10 मिनट का इन्वेस्टिगेशन और मुंब्रा का कलवा क्रीक 10 मिनट की छानबीन। मनसुख हिरण हत्या मामले में एटीएस की टीम पूरी तरह एक्शन में नजर आ रही है। विनायक शिंदे जो आरोपी है उसी एटीएस की टीम इस दफ्तर से सबसे पहले लेकर गई सचिन वाजे के घर, जो कि एंटीलिया केस में मुख्य आरोपी के तौर पर एनआईए की कस्टडी में है। सचिन वाजे के घर ले जाने पर विनायक शिंदे पर जो है 20 से 25 मिनट वहां पर रखा गया, पूछताछ और छानबीन की गई, जिसके बाद विनायक शिंदे को जो है एटीएस की टीम खुद विनायक शिंदे के कलवा वाले घर ले गई, जहां 10 मिनट तक जो है विनायक शिंदे को रखा गया, कुछ पूछताछ और छानबीन एटीएस की टीम की तरफ से की गई, जिसके तुरंत बाद जो है विनायक शिंदे को उस जगह ले जाया गया जहां पर मनसुख हिरण की लाश मिली थी। उस जगह पर विनायक शिंदे को एक ले जाया गया, 5 मिनट तक का वक्त होगा, वहां उनके साथ एटीएस की टीम मौजूद थी, जिसके बाद तुरंत उन्हें इस एटीएस दफ्तर पर ले आया गया है। आपको बता दें कि विनायक शिंदे और नरेश बुक्की 2 आरोपी हैं जिनको एटीएस ने गिरफ्तार किया, 30 मार्च तक की कस्टडी दी गई है। मुंबई पुलिस में कांस्टेबल रह चुके विनायक शिंदे पर आरोप है कि वो सचिन वाजे का हिटमैन है। वाजे के कहने पर विनायक शिंदे ने ही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर तावड़े के नाम से मनसुख को कॉल किया था। विनायक शिंदे के घर से कल पुलिस के नंबर प्लेट वाली कार मिली थी। आज उसके घर से प्रिंटर और कई कागजात बरामद किए गए। मुंबई में सच की तह तक पहुंचने के लिए 2 बड़ी जांच एजेंसियां एक साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, एनआईए और महाराष्ट्र एटीएस। एटीएस की टीम थाने में मनसुख के कार की खोज और मोटर पार्ट्स की दुकान तक पहुंची, तो एनआईए के अफसर मनसुख हिरेन के घर पहुंचे। मनसुख की पत्नी विमला हिरेन और भाई विनोद हिरेन से एनआईए को कई तरह के क्लू मिले हैं। विनोद हिरेन कैमरे पर बहुत कम आते हैं, आखिरी बार वो तब दिखे थे जिस दिन मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी। एनआईए के पास मनसुख और विनोद हिरेन की बातचीत का एक ऑडियो भी है। एंटीलिया के बाहर जिलेटिन वाली कार मिलने के ठीक 2 दिन बाद के ऑडियो कॉल में सचिन वाजे के बारे में अहम सबूत है। उस ऑडियो कॉल के एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास है। 27 फरवरी की बातचीत से पता चलता है कि विनोद हिरेन चाहते थे कि मनसुख एटीएस की पूछताछ में सचिन वाजे का नाम ले, लेकिन मनसुख ने ऐसा नहीं किया क्योंकि सचिन वाजे ने मनसुख को ऐसा करने से मना कर रखा था और मनसुख के ऊपर सचिन वाजे का टेरर था। नींद हो गई क्या? क्या हुआ? अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में।
ऐसा नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? सचिन वाजे ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये बात किसी को मत बताना। इस वजह से वो बात मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिखवाई है। तूने गलत लिखवाया है, इस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? कुछ नहीं होगा, साहब के पास ही मामला है, एटीएस वाले भी जानकारी निकालेंगे। सचिन वाजे के पास सब पेपर हैं, साहब ही मेन है, अब कुछ नहीं होगा। मनसुख हिरेन ने सचिन वाजे के बारे में जो सोचा था वो बिल्कुल गलत निकला। एटीएस ने सचिन वाजे का सच पता लगा लिया। एंटीलिया जिलेटिन केस एनआईए को ट्रांसफर हो गया, मनसुख का मर्डर हो गया और सचिन वाजे अरेस्ट है। एटीएस सोर्सेस के मुताबिक एंटीलिया पर जिलेटिन वाली साजिश और मनसुख हिरेन को मारने की प्लानिंग में कुल 12 ठिकाने आइडेंटिफाई किए गए हैं। इनमें से 7 ठिकाने एंटीलिया जिलेटिन केस से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। नंबर 1, साउथ मुंबई का 5 सितारा होटल ट्राइडेंट। नंबर 2, मुंबई सीपी ऑफिस के अंदर सीआईयू यूनिट। नंबर 3, साउथ मुंबई के एक संदिग्ध का घर। नंबर 4, थाने की साकेत सोसाइटी में सचिन वाजे का घर। नंबर 5, मनसुख हिरेन की ऑटो पार्ट्स की दुकान। नंबर 6, कलवा क्रीक के पास विनायक शिंदे का घर। और नंबर 7, थाने के 2 होटल जहां फरवरी के पहले हफ्ते में प्लानिंग हुई। होटल ट्राइडेंट में सचिन वाजे की मिस्ट्री खुल चुकी है। एंटीलिया में बम रखने के कुछ और तार जोड़ लिए गए हैं। जिलेटिन कांड में अब तक 6 प्रमुख बातें पता चल चुकी हैं। जिलेटिन नागपुर की कंपनी से लाया गया, जिलेटिन सचिन वाजे ने अरेंज किया, साजिश होटल ट्राइडेंट में रची गई, सचिन वाजे डायरेक्ट डील कर रहा था, जिलेटिन रखने के लिए वाजे ने मनसुख की कार ली, जिलेटिन वाली कार को सीआईयू की इनोवा ने एस्कॉर्ट किया। और अभी अभी अनिल देशमुख कहां के लिए निकले हैं, कहां पहुंचे हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की लेटेस्ट तस्वीर इस ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।